हेलो एवरीवन, सो आज के दूरी हम देखेंगे 7 का मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेट 32। आपका न्यू चैप्टर है जो कि आपका पार्ट 2 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड ऑपरेशन ऑन देम। ठीक है, अब देखिए आपको सिंपल सॉल्वेशन इजी है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलीनोमियल। अब जो आपको ये मोनोमियल, पहली चीज़ आपको बोला व्हाट इज मीन बाय मोनोमियल, तो देखते हैं मोनोमियल का मतलब क्या है। सब बेसिक चीज़ है, पहले हम आपको देखेंगे बेसिक्स। ठीक है, फिर हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, लगभग बेसिक किया फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। देखिए अभी आपको पहले मोनोमियल, तो मोनो का मतलब क्या है, मोनोमियल। अब ये मोनो मतलब आपको मालूम, मोनो मतलब क्या था, ओनली वन। मोनो मतलब क्या है, मोनो मतलब क्या था, वन। और नो मियल मतलब भी क्या, देखिए मोनो मतलब वन और मियल मतलब टर्म, मतलब ओनली वन टर्म। इसमें आपको ओनली क्या चाहिए, ओनली वन टर्म। ठीक है, तो इससे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल समझो, लिखा मैंने यहाँ पर फाइव ए, तो ये क्या सिंगल टर्म है, ये दोनों साथ में, आपको ये सिंगल टर्म है, दोनों साथ में, ठीक है सिंगल टर्म है। या फिर मैंने लिखा यहाँ पर ओनली, लिखा टेन लिखा, या मैं लिखा यहाँ पर एक्स लिखा, तो ये सब क्या बोलिए सिंगल टर्म है, इसको हमने क्या बोला मोनोमियल बोली, क्यों, ये सब सिंगल टर्म्स है। ठीक है, यहाँ पर लिखो मैं टू वाई, तो ये सब क्या है सिंगल टर्म है, इसको हमने क्या बोला मोनोमियल, बाइनोमियल। ठीक है, मोनोमियल क्यों, सब सिंगल टर्म है, वन दिखा सब में एक ही है। अब आता है बाइनोमियल, तो बाइनोमियल का मतलब क्या है, बाइनोमियल बाय मतलब टू, बाय मतलब टू, तो बाय मतलब टू और नोमियल मतलब कम, तो मतलब दो टर्म। समझो, मैं लिखूंगा यहाँ पर 5x प्लस 2। देखिए आपको एक टर्म दो टर्म, इसमें दो टर्म साथ में आ रहा, इसके लिए क्या बन गया, ये बाइनोमियल बन गया। या फिर एग्जांपल समझो 3y प्लस y स्क्वायर, तो इसे देखिए आपको इसमें कितना दो टर्म है, एक दो टर्म, तो इसको मैं इसको क्या बोलेंगे बाइनोमियल, बाय मीन्स टू और मियल मतलब टर्म, तो दो टर्म। या फिर आप बोलो एम प्लस टू, इसमें भी कितना टर्म है, दो टर्म है, इसमें भी कितना टर्म है, दो, एक दो टर्म है, वन टू वन टू, सब में दो टर्म दिख रहा है। यहाँ पर क्या था, सिंगल टर्म, ओनली वन वन टर्म है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखो आप टेन हंड्रेड लिखो, तो ये भी क्या आपका सिंगल टर्म है, अभी हंड्रेड एक्स लिखो, तो ये भी क्या आपका सिंगल टर्म है, मोनोमियल है। यहाँ पर लिखो मैं टू हंड्रेड एक्स प्लस वाई, तो ये भी क्या है सिंगल टर्म है। ठीक है, ये भी आपका सिंगल, सॉरी डबल टर्म हो रही है, डबल टर्म मतलब क्या आपको बाइनोमियल, एक दो दो टर्म मतलब बाइनोमियल। अब देखते हैं ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल तो ट्राई मतलब क्या है, ट्राई मतलब थ्री, ट्राई मतलब थ्री, तो थ्री मियल मतलब टर्म, मतलब तीन टर्म, तो समझो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव, तो वन टू थ्री, इसमें कितना टर्म है, तीन टर्म है, तीन टर्म मतलब किसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। फिर 4a प्लस 3b प्लस सी, एक दो तीन, आपको बीच में कोई भी साइन रहेगा प्लस या माइनस, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको ओनली टर्म्स को देखना है कि इसमें कितना टर्म है, एक टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म है, एक टर्म मतलब मोनोमियल, दो टर्म मतलब बाइनोमियल, तीन टर्म मतलब ट्राइनोमियल। समझो, अगर मैं दिया 9 माइनस 2x प्लस 3y, अब यहाँ पर माइनस से प्लस, यहाँ पर माइनस से हुआ, तो सब कुछ देखना नहीं है आपको, क्या काउंट काउंट करना है, क्या काउंट करना है, इसमें कितना टर्म है, तो एक टर्म दो टर्म तीन टर्म, तीन टर्म का मतलब क्या है ट्राइनोमियल। आई होप आपको एक कंसेप्ट समझाओगे, व्हाट इज मीन बाय मोनोमियल, व्हाट इज मीन बाय बाइनोमियल एंड व्हाट इज मीन बाय ट्राइनोमियल। सो नाउ व्हाट इज पॉलीनोमियल, इट मीन्स मोर देन थ्री, हमको मालूम है मोनो मतलब वन, बाय मतलब टू, ट्राई मतलब थ्री, एंड नाउ पॉली मीन्स मैनी, पॉली मीन्स क्या होता है मैनी, मैनी मतलब बहुत सारा, दो तीन से ज़्यादा बहुत सारा। ठीक है, और आपको मालूम देखिए पॉली नोमियल, तो मतलब मैनी टर्म्स, मैनी और इसका मतलब क्या होगा मैनी, उसका मतलब क्या होगा टर्म्स, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा 5a प्लस 2b प्लस 9c प्लस 2x प्लस 3, ये कोई भी टर्म लिखे इसमें, एक दो तीन चार पाँच, इसमें फाइव टर्म है, फाइव टर्म है। और मैंने आपको वन मतलब मोनोमियल, टू मतलब बाइनोमियल, थ्री मतलब
ट्रायनोमियल। अब कोई भी टर्म थ्री से एक्स्ट्रा है, थ्री से ज्यादा है, मोर देन थ्री, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर फोर टर्म भी है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पॉलिनोमियल। फाइव है तो भी पॉलिनोमियल, टेन है तो भी पॉलिनोमियल। अगर यहाँ पर दूंगा हमें थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस नाइन प्लस फोर एक्स प्लस थ्री जेड प्लस नाइन, ये कितना टर्म भी है? एक दो तीन चार पाँच छः, छः या दस टर्म, कुछ भी लिखो आप यहाँ पर, फोर एक्स लिखो। तो ये टर्म क्या आपका? ये आपका पॉलिनोमियल। क्यों? मोर देन थ्री है, मीन्स जो भी टर्म चार से तीन से ज़्यादा है उसको हमें क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। पापा जी देखिए, मोरना मतलब ओनली सिंगल टर्म जिसमें सिर्फ एक ही टर्म रहेगा, बाय मतलब ओनली टू टर्म जिसमें आपको ओनली दो टर्म्स रहेगा, और ट्राई मतलब ओनली थ्री टर्म। यहाँ लिखता हूँ ओनली थ्री टर्म्स, इसमें आपको ये ओनली इसका ठीक है, ओनली वन टर्म, इसमें ओनली टू टर्म्स। देखिए इसमें ओनली दो है, इसमें ओनली वन है, इसमें ओनली थ्री है, और इसमें मोर देन थ्री टर्म्स। इसमें जिसमें तीन से ज़्यादा है उसको हम लोग लेंगे पॉली। तो आई होप आपको बेसिक समझा होगा, अब इसके बेस पर हम लोग ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थर्टी टू का क्वेश्चन नंबर वन, क्लासिक द फॉलोइंग एज मोनो मतलब ओनली वन टर्म, बाइनो मतलब ओनली टू टर्म, और ट्राइनो मतलब ओनली थ्री टर्म, और पॉली मतलब मोर देन थ्री। अब देखिए ये फर्स्ट इसमें क्या दिया है? सेवन एक्स, तो ओनली सिंगल टर्म है, सिंगल का मतलब भी ओनली वन, तो इसमें आएगा मतलब यहाँ पर लिखूंगा मैं सेवन एक्स। ठीक है, फिर क्या दिया है इसमें? फाइव वाई माइनस सेवन जेड, इसमें कितना टर्म है? दो टर्म है, दो का मतलब क्या है? दो किसमें आएगा? बाली में, इसमें ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, और मोर देन थ्री टर्म, तो इसमें दो टर्म है, दो टर्म मतलब कौन? बाली वाला। तो सेकेंड में क्या आएगा? फाइव वाई माइनस सेवन जेड। फिर क्या गया है? थ्री एक्स क्यूब माइनस फाइव स्क्वायर माइनस इलेवन, इसमें कितना टर्म है? वन टू थ्री, थ्री मतलब ट्राइनोमियल, मीन्स थ्री एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन, ये आपको मिल गया तीन टर्म। फिर क्या आपको ये फोर सम, वन टू थ्री फोर, अब इसमें फोर टर्म है तो इसमें क्या? ओनली थ्री टर्म है, और इसमें मोर देन थ्री, तीन से ज़्यादा है, तो हम लोग इसमें लिखेंगे किसमें? पॉली में, मतलब फोर्थ वाला, वन माइनस एट ए माइनस सेवन ए स्क्वायर माइनस सेवन ए क्यूब। ठीक है, तो इसमें मोर देन जो तीन से एक्स्ट्रा आपको वो इसमें लिखना है। फिर किसमें देखिए क्या, फिर उसमें क्या दिया है? फाइव एम माइनस थ्री, एक दो, दो टर्म है तो मतलब फाइव एम माइनस थ्री, बाइनोमियल में आया क्यों? दो टर्म मतलब बाइनोमियल, बाय मतलब टू होता है, सिक्स इसमें ए मतलब ओनली सिंगल टर्म है, ओनली वन टर्म है तो मतलब वन, तो अब किसमें आएगा? मोनोमियल, मोनो मतलब कौन होता है इसके लिए? सेवन में क्या है? फोर, ओनली फोर है तो ये भी आपका क्या सिंगल टर्म है, तो इसमें आएगा थ्री बाय स्क्वायर माइनस सेवन प्लस फाइव। अब देखिए इसमें कितना टर्म है? एक दो तीन, तीन टर्म है मतलब ट्राइनोमियल, तो थ्री वाई स्क्वायर माइनस सेवन वाई प्लस फाइव। तो देखिए कितना इजी था, आपने सॉल्व कर दिया, ये कितना इजी था, बट आपको इसके लिए क्या बेसिक कंसेप्ट जो कि आपका बेसिक नॉलेज इसमें चाहिए, मोनो मतलब वन टर्म, बाइनो मतलब टू टर्म, ट्राइनोमियल मतलब थ्री टर्म, और पॉली मतलब मोर देन थ्री। अगर आपको चीज़ मालूम है तो उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको वो सॉल्व करूँगा। थैंक यू सो मच।